अफ्रीकन बंदा ते अपने दो बंदे हैगे जो इंडियन बंदे हैं, दोनों ही तीनों ही जेल टाइम काट के आए हैं पहले। ठीक है जी, इन्हां दी रुकवा के इन्हां दी जब चेकिंग की गई है तो इन्हां तो 2004 ग्राम जो है हेरोइन बरामद की गई है। तो इन्होंने दस्या कि भाई ये जो अपना सामान है दिल्ली तो एक नाइजीरियन व्यक्ति से लेंदे सीगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ASP ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 204 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ASP ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। भारत सरकार तो मानता प्राप्त चैनल पंजाबी स्टेशन नू वक्त-वक्त शहरां अते कस्बियां तो पत्रकारां दी तुरंत लोड़ है, संपर्क करो। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसी के तहत एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ डेराबसी पुलिस ने किया है। इसमें तीन नशे तस्कर दे नाल उन्हां दे कोल भारी मात्रा विच जो है हेरोइन असी बरामद किया है जो एक वड्डी सफलता है साड़ी डेराबसी पुलिस की हैगी है। मानयोग SSP सर दे दिए गए निर्देश अनुसार असी इनक्रीज लैवल ऑफ पेट्रोलिंग करते हैं तो सर्च इन अपने एरिया विच लगाते हैं। 24 फरवरी 2024 नूं असी एक नाका नियर बस स्टैंड मुबारकपुर लगाया सीगा। उस दौरान एक गड्डी नंबर HR 36 AE 4091 ये गड्डी जो है पुलिस पार्टी नूं देख के इसने गड्डी बजाने की कोशिश की। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन्हां नूं काबू किया। दोनों जने सवार थे, तीसरा किसी कोई? हाँ जी, मैं तुहानूं दसदा। तो इस गड्डी विच जो ड्राइवर सीगा वो जब गड्डी रुकवाई गई तो उसमें ड्राइवर सीगा राजन ते उन्हादे कोल एक सचिन शर्मा हैगा जो नया गाँव मोहाली का है। राजन की रिहाइश जो है वो करतार नगर खन्ने की हैगी है। ठीक है जी, इन्हां दी रुकवा के इन्हां दी जब चैकिंग की गई है तो इन्हां तो 2004 ग्राम जो है हेरोइन बरामद की गई है। बरामदगी के बाद इन्हां दे उपर FIR लॉन्च की गई है जो है 60 नंबर FIR 2024 की और अंडर NDPS एक्ट। ठीक है जी, इनसे पूछगिछ की गई है तो कि भी समान किधर तो खरीदा है तुसी। ते इन्होंने दस्या कि भी ये जो अपना समान है दिल्ली तो एक नाइजीरियन व्यक्ति से लेंदे सीगे जिन्हों का नाम हैगा है ओकेका ओबिना जो लूक जिन्हों जिमी भी कहें। ये बंदा वैसे तो बेसिकली लागोस का हैगा है बट हुण ये तिलक नगर दिल्ली विच रहिंदा है। ठीक है जी, इन्हां दी डील जो हुई है वो अराउंड 4 लाख रुपए की डील हुई है जो मनी ड्रग मनी ट्रांसफर हुआ है। 25 फरवरी 2024 नू असी राजन ते सचिन नू मानयोग अदालत विच पेश किया ते ओकेके नू FIR विच नामजद किया ते 3 दिन दा सानू रिमांड मिला है इनका। स्विफ्ट एक्शन लेते हुए असी फिर दिल्ली विच भी रेड की ते ओकेके जी जो रिहायश सीगी तिलक नगर उधर तो उन्होंने पकड़ के असी लाए हैं ते उन्होंने फिर 26 फरवरी नू असी पेश किया है अदालत विच। ठीक है जी, तो 2 दिनों का उन्हों का रिमांड असी हासिल किया। दौराने पुलिस रिमांड इन डेप्थ पूछगिछ की जा रही है इन्हों तो ते एक अहम खुलासे जो होंगे हैं इसमें सानू लगता है कि निकलेंगे तो एक इंटरस्टेट नशा तस्कर गिरोह जिसमें इंटरनेशनल बंदियां दा भी इन्वॉल्वमेंट है वो असी बस्ट किया है जो कि एक साड़ी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हैगी है। सर इन्हों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है या कुछ भी इन्हों के कोई पुराने मामले भी है सर? देखो जी, तीनों जो बंदे हैं तीनों के उपर पहले परचे NDPS के है तो तीनों ही जो बंदे हैं अफ्रीकन बंदा तो अपने दो बंदे है जो इंडियन बंदे हैं दोनों ही तीनों ही जेल टाइम काट के आए हैं पहले इन द पास्ट। इन्हों का प्रोफेशन की रहा जो हूँ तक कम करते हैं
इंडियन वाले की कम करते हैं, नाइजीरियन वाला की कम करता है। देखो जी, नाइजीरियन बंदा क्लेम करता है कि वो वैसे तो कपड़े का व्यापारी है, बट इसका कोई कंफर्मेशन सानू मिला नहीं है। तो दूजी गल, इंडियन बंदे हैं वो माड़ा मोटा छोटा ही काम करते हैं, कोई ड्राइवरी का काम करता है, कोई छोटे मोटे काम करते हैं। सर इसके पीछे कुछ वड्डा खुलासा होगा? सानू लगता है इसके खिलाफ असी छानबीन कर रहे हैं, तो सानू लगता है एक बड़ा इंटरस्टेट ते इंटरनेशनल ड्रग गिरोह का पर्दाफाश असी करांगे। जिहड़ी सप्लाई अगे दिंदे सी कॉलेज दे बच्चे दिंदे, कि इस तक तुसीं पहुंच पाए कित्थे दिंदे सप्लाई? उस पर असी वर्कआउट कर रहे हैं, असी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे ही सानू इन्फॉर्मेशन मिलती है असी सांझी करांगे।